हेलो बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। देखिए आज अभ्यास 5 का एक अपना लगाएंगे। भाग दीजिए का पहला नंबर 8x² yz में 2xy से हमें क्या करना है, भाग देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपना लिख लिया है। चलिए देते हैं 8x² yz में 2xy से, 2xy से हमें इसमें जो है भाग देने का है। ठीक है, भाग कैसे देना है देखिए, ऐसे 8x² yz अपॉन 2xy। अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्टली कट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है आप विस्तार कर लीजिए। 8x दो बार है, x * x * y * z अपन 2xy। ठीक है, यहाँ से अब इसको देखिए कट करेंगे, दो से देखिए आठ को करेंगे, दो चर को आठ, नीचे कितने एक्स है, एक है, एक एक्स ये जाएगा, एक एक्स ये जाएगा। यहाँ पे y कितने बार है, एक बार है, ये y और ये y। ऊपर देखिए क्या बचेगा, 4xz, 4xz यही होगा अपना आंसर। इसको देखिए 15x² y³ में 3x² y² से इससे जो है हमें भाग देना है इसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं 15x² y³ 3x² y² देखिए 3 से 15 को काटेंगे तो 3 × 5 = 15। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं y², यहाँ पे कितना है y³, इसमें से इसको काटेंगे बट इसमें से एक वाई बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर बचेगा 5y, क्योंकि यहाँ पे y² है, ऊपर है y³, तो दो वाई कट जाएंगे तो एक वाई बचेगा, तो अपना 5y बचेगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। गा नंबर देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया a² - b² में a + b से इसमें हमें भाग देने का है। ये देखिए a² - b² इसमें का फार्मूला आपको मालूम होगा, a + b - a (a)(a)(a-b). a² - b² का फार्मूला यही होता है ना, तो सबसे पहले इसका a² - b² का फार्मूला लिख लेंगे, तो होता है a + b (a)(a)(b) होता है a - b। ठीक है, अपना भाग किससे देने का है, a + b से, तो a + b से भाग देने का है, तो ये a + b और a + b ये कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा क्या, a - b, यही हो जाएगा आंसर। ये देखिए दूसरा नंबर 32m³ y² अपन 4m² y, यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अगर मतलब ये ऐसे समझ में नहीं आ रहे तो इसको विस्तार से हम लोग कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो 32 × m कितने बार है, 3 बार है, m × m × m। y कितने बार है, 2 बार है, y × y अपन नीचे क्या है, 4 × m 2 बार है, m × m × y। बच्चों को समझने के लिए ऐसे आसान रहेगा, क्योंकि मतलब ऐसे विस्तार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 को 4 से 32 में भाग देंगे तो 4 × 8 = 32 होता है ना, 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 × 8 = 32। ये देखिए यहाँ पे कितने m है, 2m है, एक ये है, इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे। y कितने बार है, नीचे एक ही बार है, एक y कट जाएगा, ऊपर देखिए क्या बचेगा, 8m y, ये बचेगा 8m y, यही हो जाएगा अपना आंसर। खा नंबर देखिए x³ + 4x² + 4x / x, यहाँ अपने कॉपी में हमने लिख लिया है। यहाँ पे बच्चों देखिए कुछ चीज कॉमन लग रही है, x³ + 4x² + 4x, x कॉमन है, मतलब x जो है तीनों के पास में है, तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक x को, तो x को कॉमन ले लेंगे, तीनों में से एक x ले लेंगे, तो इसमें बचेगा x² + इसमें बचेगा 4x, इसमें बचेगा 4, और नीचे अपना क्या है x, तो ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, x² + 4x + 4, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, गा नंबर भी देखिए उसी तरीके 16x² - 8x³ / 4x, यहाँ पे हमने देखिए लिख लिया है
चार के पहाड़ी में 16 आता है, 4 चौक 16, और 4 के पहाड़ी में 8 भी आता है, 4 दूनी 8, एक्स भी है, तो क्या करेंगे 4x को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 4 चौक 16 यानी 4, एक एक्स अंदर बचेगा, एक्स ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 दूनी 8 यानी 2x स्क्वायर, ठीक। नीचे अपना क्या है 4x है, ये 4x कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपना आएगा सिर्फ इतना 4x - 2x स्क्वायर, ये भागफल मिलेगा अपने को, ठीक है। घन नंबर भी उसी तरीके है, 9a² - 24a + 18a³ / 3a, ये देखिए 9a² - 24a + 18a³। आप इसमें जरा गौर करिए, कुछ तो कॉमन लग रहा है, लग रहा है ना। अगर हम इसमें से 3a को कॉमन ले लें, जैसे कि 3 3 9, 3 के पहाड़े में 9 भी आता, 3 के पहाड़े में 24 भी आता, 3 के पहाड़े में 18 भी आता, तो चलिए यहाँ हम 3a कॉमन ले लेंगे, अंदर अपने को बचेगा 3 3 9 यानी 3a माइनस 3 8 24 यानी 8 केवल प्लस, और यहाँ बचेगा 3 6 18 यानी 6, क्योंकि 3 बाहर चला गया तो 6 बचेगा केवल, 6a² नीचे क्या है 3a, ये 3a कैंसिल हो जाएगा, अपने को आंसर कितने बचेगा, ये यही होगा आंसर, अपने ये चैप्टर हो गया द एंड। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हो, 5 का एक चैप्टर आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ 5 का 20 के सवाल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड करने से पहले एक चीज़ और देख ली, मैं बताना भूल गई, यहाँ पे देखिए x² + 4x + 4, ये आंसर तो अपना आ गया है, बट अगर उत्तर माला में देखेंगे ना तो उसमें ये ऐसा आंसर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पता है क्या बन गया है, x² + 4x + 4, तो ये a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ये बन गया है, ठीक है। तो इसको हम अपना ये फार्मूला ऐसे करके लिख लेंगे, उसके बाद में ये फार्मूला पता है किसका बना है, a + b का होल स्क्वायर का, तो a अपना जो है x रहेगा, हाँ ये x, और b अपना 2 रहेगा, क्योंकि जब ही तो 2 वो बी स्क्वायर होगा तो 2 2 9 4 हो जाएगा, तो x + 2² जो है ये आंसर होएगा अपना सही वाला रहेगा, ये भी सही है, बट उत्तर माला में देखेंगे ना तो ये क्लास 7th में जो आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab, वो फार्मूला यूज हो करके ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। और इसमें देखिएगा, इसका भी थोड़ा वो कर, हमने शॉर्ट आंसर दे दिया, बट इसमें और कुछ करने का, इसमें देखिए 4x - 2x² है ना, तो अपना इसमें क्या होगा 2x जो है कॉमन हो जाएगा, 2x क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो अंदर अपने को क्या बचेगा, ये जो 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ से ऐसे, 2x जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और इधर देखिए 2x गया तो 1x बच जाएगा, तो 2x कॉमन अंदर ब्रैकेट में 2 - x, ये होगा आंसर उत्तरमाला के हिसाब से, ठीक है। बाकी ये भी सही है, बट उत्तरमाला में ऐसा आएगा, तो आप लोग घबराना नहीं, ये भूल गई थी मैं बताना।